हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमें देख रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इसी को लेकर एक कलेक्टिव रीडिंग है और यहाँ मैं कार्ड शफल करूंगी। आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टेंस पे जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट टैरो के साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग, तो यहाँ टावर कार्ड आया है फर्स्ट। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में अभी फाइट वगैरह हुई है, कोई टावर मूवमेंट आप लोगों ने अभी फेस किया है रिसेंटली, और इसी तरह की एनर्जीज को दिखाने वाला कार्ड है टावर। यानी कुछ कपल्स के बीच में अभी फाइट हुआ है, प्रॉब्लम चल रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट जैसी स्थिति है, या ब्रेकअप से आपका रिश्ता गुजरा है। कुछ लोग अभी रिसेंटली सेपरेटेड हुए हैं, इस तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में अभी रही है और ऐसा ही आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं। काफी यहाँ लोगों के लिए लग रहा है कि फोर ऑफ कप्स एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि के आपके पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग दिख रहे हैं, और अभी वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी है, या कोई प्रॉब्लम आपके बीच में रहा हुआ हो सकता है, या उनके पर्सनल लाइफ इस तरह की अभी चैलेंजिंग चल रही है कि वो कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कुछ देखना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ कप ऑफर हो रहा है पर वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मे बी उनका कुछ अभी प्रॉब्लमफुल टाइमिंग रहा है, या आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है। और यहाँ कार्ड आया है नाइन ऑफ सॉर्ड्स का, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के आपके पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं, और अभी काफी परेशान हैं, दुखी हैं, चिंता में हैं, काफी निराशा से घिरे हुए हैं और अकेले में समय बिता रहे हैं। काफी कह सकते हैं अकेलापन फील कर रहे हैं और बहुत दुखी हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं वो। यहाँ काफी उनकी एनर्जीज इस तरह की लग रही है कि डाउन एनर्जीज है। काफी कपल्स के बीच में कुछ दिक्कतें रही है, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। पर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द मैजिशियन। मे बी अभी आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया, वो अभी कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे और काफी परेशान भी चल रहे हैं, पर मैजिशियन कार्ड ये बता रहा है कि फिर भी वो फिजिकल वर्ल्ड में, यानी भौतिक जगत में, वो आपसे मिलने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, पर भगवान से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना में आप ही हैं, उनके ये दुआओं में आप ही हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये सिचुएशंस उनके साथ और आपके बीच में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाए और एक मैजिकल तरीके से आप उन्हें मिल जाएं। तो यहाँ वो प्रेयर्स में तो आपको मान रहे हैं और मे बी वो कुछ करना नहीं चाह रहे, पर फिर भी वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस यहाँ दिख रहे हैं, काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं अभी और काफी धर्म और अध्यात्म से जुड़कर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टूल्स और टेक्निक्स भी यूज कर रहे हैं आपको वापस पाने के लिए या इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इस तरह की एनर्जीज है। और नेक्स्ट कार्ड बहुत ही अच्छा आया है आपके लिए, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी है, तो यहाँ उनके अंदर काफी डीप इमोशन है, प्यार तो है उन्हें आपसे और काफी गहरा और सच्चा प्यार यहाँ उनका दिख रहा है। चाहते हैं कि ये सिचुएशंस बहुत जल्द खत्म हो आप लोगों के बीच में और प्यार मोहब्बत जैसा उनके अंदर है, पर वो फीलिंग्स अभी काफी कुछ कह सकते हैं जैसा हिडन है। और नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी भी आप देख रहे हैं, बॉटम डेक की एनर्जी आई है जजमेंट की, तो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं और वो प्यार मोहब्बत रेस्पेक्ट जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको देना चाहते हैं। और नाइट एनर्जी बताती है कि काफी आपके साथ इमोशनल अटैच्ड हैं वो, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं या उनमें वो क्वालिटीज हो सकती है जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में है। काफी भावुकता से आपके रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, काफी आप ही को लेकर काफी ज्यादा सोचे जा रहे हैं, और वाटर एनर्जी काफी है, तो काफी डीप इमोशनल प्यार है उनका आपको लेकर और सच्चा और गहरा प्यार उनका दिख रहा है। मे बी कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में और यहाँ जजमेंट देना चाह रहे हैं, आपको एक न्याय देना चाहते हैं और यूनिवर्स भी इस चीज को आपको सपोर्ट करेगा। और उनकी फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि वो अब चाहते हैं कि उन्होंने जो इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है, उसको वो ठीक करना चाह रहे हैं। और जजमेंट कार्ड ये बता रहे हैं कि उस चीज के अनाउंसमेंट भी हो सकती है, यानी वो इस चीज को आपको बताएंगे भी सही, और ये आपके लिए वो करंट फीलिंग्स उनकी यहाँ दिख रही है। और बॉटम डेक की एनर्जीज में कार्ड काफी अच्छे आ रहे हैं, सिक्स ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी आपके पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं, और यहाँ विक्ट्री कार्ड आया है आपके लिए, तो डेफिनेटली वो इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते और
चाहते हैं कि सब कुछ एक टाइमिंग के साथ उनके लिए ठीक हो जाए, और इसी तरह की उनकी यहाँ फीलिंग्स दिख रही है। और अगर ओरेकल डेक से कार्ड देखें तो कौन सा कॉपियर का कार्ड है, तो यहाँ हम उनकी करंट फीलिंग्स दिख रहे हैं, तो वो आपको एक विश की तरह ले रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते पे काम करें वो और आपका साथ और उनका साथ बना रहे। 11 नंबर है तो कुछ लोग आप में से ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं और आप लोगों का सॉल कनेक्शन हो सकता है, और इस चीज को वो भी समझ रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज उनकी यहाँ दिख रही है। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है जर्नी का, तो आपकी पर्सन अगर आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में है या अभी कांटेक्ट नहीं है तो वो जर्नी कर कर आप तक आए, इस तरह का भी उनका यहाँ करंट फीलिंग्स दिख रही है। तो जर्नी भी उनकी करंट फीलिंग्स में दिख रही है, ये भी आया है तो आप तक आए, इसके काफी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। और नंबर 2 है तो एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह डेफिनेटली आपको देखते हैं फ्रेंड्स वो। और यहाँ कार्ड आया है विक्ट्री का, तो इस रिश्ते में चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, चाहे आपके बीच में टावर मूवमेंट आया हो, कुछ हुआ है फाइट वगैरह, पर फिर भी विक्ट्री मिलेगी आप लोगों के लिए। यूनिवर्स की तरफ से बिग यस यहाँ आया है, जजमेंट कार्ड है और फिर विक्ट्री कार्ड है, तो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें जीत हासिल हो और आपके साथ मिले। और 28 नंबर 2+8=10 होता है, तो एक कम्प्लीशन चाह रहे हैं इस रिश्ते में, और चाह रहे हैं कि इस रिश्ते की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो ठीक करें। इस तरह की एनर्जीज उनकी यहाँ दिख रही है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है कम्युनिटी का, तो कम्युनिटी का कार्ड ये बता रहा है कि वो फ्रेंड्स की भी हेल्प लेना चाह रहे हैं, या फ्रेंड्स का कोई रोल हो सकता है आप लोगों की लाइफ में जो बहुत पॉजिटिव होगा। और आप लोग ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं फिर से, जिन लोगों का रिश्ता ब्रेक हुआ है और जिनका रिश्ता ब्रेक नहीं हुआ है, तो आपके साथ एक कह सकते हैं गेट टुगेदर में मिलना या कहीं पार्टी फंक्शन में जाना प्लान कर रहे हैं, इस तरह का कुछ उनकी फीलिंग्स में दिख रहा है। नंबर 7 है तो डिवाइनली गाइडेड और ब्लेस्ड रिलेशनशिप आप लोगों का है। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है एंजल ऑफ बैलेंस, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वो इस रिश्ते को बैलेंस में लाना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम अगर हुई है तो उसे ठीक करना चाह रहे हैं, इस तरह की उनकी करंट फीलिंग्स यहाँ दिख रही है। और यहाँ आप एंजल ऑफ बैलेंस देख रहे हैं और यहाँ गोल्डन पिरामिड्स है, तो अगेन कन्फर्मेशन है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा हो सकता है, और इस चीज को वो भी फील करते हैं, उन्हें कुछ इंट्यूशंस ऐसे फील होते हैं जिससे उन्हें ड्रीम्स के थ्रू या कुछ इंट्यूटिवली उन्हें बहुत कुछ फील होता है आपके लिए, और वो जानते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप एक डीप लेवल का सॉल कनेक्शन है, बॉडी बेस्ड रिलेशनशिप नहीं है सिर्फ, और आप लोगों का एक सॉल कनेक्शन उनको आपके लिए फील होता है, और इस तरह की एनर्जीज उनकी यहाँ दिख रही है। और यहाँ बॉटम डेक की एनर्जी आई है वुमन होल्डिंग ए हार्ट, तो चाहे आपके पर्सन आप जिनके लिए देख रहे हैं वो मैन है या वुमन है, पर काफी प्यार और काफी रिस्पेक्ट आपके लिए दिख रहा है, और काफी चाहते हैं एक लविंग केयरिंग और रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ मेंटेन करें वो, और जो उन्होंने कुछ गलत किया उसको ठीक करना चाह रहे हैं। 44 नंबर आप देख रहे हैं, तो एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ वो आगे जाना चाहते हैं, और जितनी भी दिक्कतें हुई हैं उनको बहुत जल्द सॉर्ट आउट करेंगे वो, इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं, और काफी आपको लेकर डीप इमोशनल प्यार उनका यहाँ दिख रहा है। इसी तरह की एनर्जीज को दिखाने वाला कार्ड है वुमन होल्डिंग ए हार्ट एनर्जी। और यहाँ आपके लिए एंजल भी आए हैं, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल आए हैं, जो एक कह सकते हैं डीप कनेक्शन को बताने वाला कार्ड है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत जल्द उनका सेकंड चक्र बैलेंस में आएगा और एक डीप और इंटीमेट कनेक्शन आप लोगों का फिर से बन सकता है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो भी खत्म होगा क्योंकि आर्कएंजल एरियल बहुत जल्द आपके लिए ये पॉसिबल करवाएंगे कि आप अपने पर्सन से मिल सकें, और अगर दिक्कतें हैं तो वो काफी हद तक ठीक होगी, या किसी तरह का फिजिकल डिस्टेंस अगर है तो वो डेफिनेटली ठीक होगा क्योंकि सेकंड चक्र उनका बैलेंस होगा। इस तरह की एनर्जीज यहाँ उनकी दिख रही है। वहीं हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फेरी ओरेकल डेक से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर, फेरीज आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। 3 कार्ड्स लेंगे हम, ओके। फर्स्ट आपके लिए है होप का कार्ड है, होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट, ऑप्टिमिस्टिक एक्सेप्टेशंस कैन हेल्प चेंज ए नेगेटिव सिचुएशन इनटू ए पॉजिटिव वन। जी आपको यहाँ फेरीज कह रहे हैं कि आप होप ना खोएं, आप फेथ रखें गॉड पे, और आपके रिश्ते में अभी भी होप बाकी है, और इसी तरह की गाइडेंस आपके लिए आई है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है मोटिवेशन का, वेन स्प्रिंग अप्रोच द फ्लावर फेरी अर्ग यू टू स्प्रिंग इंटू एक्शन इफ देयर इज समथिंग यू हैव बीन merely thinking about doing, that says get busy and do it। जी आपको फेरी यहाँ कह रहे हैं कि अगर
आप अभी परेशान चल रहे हैं किसी भी वजह से या किसी भी तरह का आपको प्रेशर फील हो रहा है, तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें और आपका जो भी प्रायोरिटी से जो वर्क आप करना चाह रहे हैं उसको आप जरूर करें। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें और बहुत जल्द आपके लिए सिचुएशंस बहुत बैलेंस में आएगी। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है अबंडेंस का। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। जी, आपके लिए अबंडेंस भी काफी लिखा है इस रिलेशनशिप में, तो अपनी होप को लूज ना करें और अपने आप को हीलिंग की तरफ लेकर जाएं और ऑप्टिमिस्टिक रहें इस रिलेशनशिप को लेकर। इस तरह की आपके लिए मैसेजेस हैं। वहीं हम देख रहे हैं आपके पर्सन आपको इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहेंगे। नथिंग इज ओवर येट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है। आपके पर्सन कह रहे हैं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और आई मिस वैन वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वैन वी आर टूगेदर, ये भी आपके पर्सन कह रहे हैं। एम आई डिजर्व यू, आई डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट यू, आपके पर्सन कह रहे हैं वो आपका दिल नहीं दिखाना चाहते। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। और एक मैसेज और ले लेते हैं। कैन यू गिव मी अनदर चांस, जी आपके पर्सन एक चांस और लेना चाहते हैं आपके साथ। आई डो नॉट वॉन्ट टू एक्सप्रेस, जी कुछ लोगों के पर्सन अभी बताना नहीं चाहते, इस तरह की एनर्जीज है। माई हैप्पीनेस इज टू बी नियर यू डियर, उनकी खुशी आपके आसपास ही है, इस तरह का मैसेज है। एक और मैसेज ले रहे हैं बस। इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस, जी आप लोगों के बीच में अभी कुछ भी हुआ पर वो आपसे माफी मांगने को यहाँ तैयार दिख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।